अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है, अगर हमारे बर्ड की टांग या फुट फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए, तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आपके बर्ड उड़ते हुए उनका पाँव किसी चीज़ से लगकर टूट जाए, या डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे बर्ड की टांग टूट गई है। ये भी तो हो सकता है कि बर्ड की टांग सूज गई है। टांग का सूज जाना ये टांग टूटने में नहीं आता। जब टांग या उंगली टूट जाती है तो वो लटक जाती है, या आपको नज़र आ जाता है कि बर्ड की टांग टूट गई है। और इसमें जो स्वेलिंग होती है वो सिर्फ टांग में चोट की वजह से सूज जाती है, इसमें हड्डी फ्रैक्चर नहीं होती। अगर आपके बर्ड का पाँव फ्रैक्चर है तो हमें क्या करना है। इसमें सबसे पहले आपने उस पाँव को अपनी पोजीशन में लाना है। उसके बाद आपने माचिस की एक या दो तीलियां अपने बर्ड के पाँव में किसी सलोशन टेप या किसी धागे के साथ बांध देनी है, ताकि बर्ड अपने पाँव को मूव ना कर सकें या हिला ना सकें। इसमें आपने ये एहतियात भी करनी है कि बर्ड के पाँव को इतना मजबूती से ना बांधें कि इनके खून की गर्दिश रुक जाए, और इतना ढीला भी ना बांधें कि आपने जो पट्टी लगाई है वो फिसल कर नीचे आ जाए। और आपने माचिस की तीली का तिनका इतना ही लगाना है जहाँ से बर्ड का पाँव फ्रैक्चर है वहाँ तक ही तिनका लगाएं। इससे आपके बर्ड आसानी से उड़ सकेंगे और उनको फ्लाइंग में कोई मसला नहीं होगा, और आपके बर्ड का पाँव सीधा रहेगा। इससे आपके बर्ड के फ्रैक्चर पाँव की हड्डी बिल्कुल सीधी लगेगी, और जैसे जैसे हफ्ता, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक जब आप पट्टी उतारेंगे तो आपके बर्ड के पाँव की पोजीशन में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो पट्टी उतारने के बाद अगर आप देखते हैं कि आपके बर्ड का पाँव वैसा ही है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो आपने पट्टी उसी तरह दोबारा लगा देनी है। दोबारा बता दूं आपको कि ना तो आपने पट्टी ज़्यादा टाइट बांधनी है और ना ही इतना नरम बांधें कि वो पट्टी आपके बर्ड के फ्रैक्चर पाँव से नीचे आ जाए। तो दोस्तों यही हाल है इसका। हाँ, अगर आपके बर्ड का पाँव सूजा हुआ है तो आप कोई क्रीम ले लें, जैसा कि आयोडेक्स। उससे आप अपने बर्ड के पाँव की मालिश कर दें, उससे आपके बर्ड के पाँव में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और आपके बर्ड की खून की गर्दिश स्टार्ट हो जाएगी। तो इन चीज़ों को आपने मद्दनज़र रखना है। अगर आपके बर्ड के पाँव में सूजन है तो थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन आपके बर्ड के पाँव में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आप नए हो, आपको नहीं पता कि अडल्ट और पट्ठों में क्या फ़र्क होता है, तो राइट साइड वाली वीडियो को देखना ना भूलिएगा। और गर्मियों में बज्जीज पैरेट की बेस्ट खुराक कौन सी है, तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।